हेलो माय फ्रेंड, एवन एडवेंचर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दुनिया में पानी की कितनी कमी है। ऐसे तो पानी बहुत है लेकिन वो सारा पानी खा रहा है। अगर आप खारे पानी को मीठा कर सकते हैं तो दुनिया में बहुत बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होगी। तो मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूँ जिसमें हम खारे पानी को मीठा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक बड़े प्याले की ज़रूरत होगी और एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और एक आपको ज़रूरत होगी खारे पानी की और एक टेप ले लीजिए और आपको ज़रूरत होगी एक रुमाल की। आप कॉटन का रुमाल लीजिए और आपके पास और भी कोई कॉटन की हो कोई चीज़ आप उसको भी ले सकते हैं। और आपको यह पन्नी लेनी होगी, आपको ब्लैक पन्नी नहीं लेनी है, आपको ओनली वाइट पन्नी लेनी है। और आपको पन्नी ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, आपको पतली सी आपको वाइट पन्नी लेनी है। आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक गोल नट की ज़रूरत होगी और आप इसके लिए कोई पत्थर भी ले सकते हैं। आपको इसको बीच में रखना है जिससे कि ये सारा पानी जो हमारा इकट्ठा है वो नीचे इस कटोरी के अंदर जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सबसे पहले आपको ये रुमाल है तो आपको इस रुमाल को इस प्रकार से चारों ओर आपको इस प्रकार से गोल गोल लगा देना है और ये बीच में आपको ये कटोरी रखनी है इस प्रकार से। अब आपको ये जो पानी है खारा पानी इसको आपको इस रुमाल पे ऐसे ऐसे डालना है। ऐसे कटोरी के अंदर ये पानी नहीं जाना चाहिए और सारा पानी आपको इस रुमाल के अंदर डालना है और ऐसे गोल गोल आपको इस प्रकार से आपको इसको पानी से बिल्कुल भर देना है और इस रुमाल को भी पूरा पानी से इस प्रकार से आपको गीला कर देना है। और इस रुमाल को आप पानी से गीला करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा और इसके बाद आपको इसके ऊपर ये पन्नी लगानी है। तो चलिए मैं आपको पन्नी लगा के बताता हूँ। तो आपको इस प्रकार इसके ऊपर ये सारी पन्नी लगा देनी है। आपको इस नट को आपको इस जगह रखना है। तो अब देखते हैं इसके अंदर पानी कितनी देर में बनता है। तो आप देख सकते हैं ये सौर भट्टी तैयार हो चुकी है और इसके अंदर आप ये पानी भी देख सकते हैं। आप पानी की बूंदें इसके ऊपर इकट्ठी हो चुकी है। तो देखते हैं कि ये कितनी देर में इसके अंदर रखी हुई कटोरी के अंदर इकट्ठा होती है। और हमारे को 2 घंटे हो चुके हैं तो आप देखते हैं इसके अंदर कितना पानी इकट्ठा हुआ है। ये कटोरी आधी पानी से भर चुकी है। अब चलिए इस पानी को चेक करके देखते हैं कि ये पानी मीठा है या नहीं। ये बहुत मीठा है, मैं भाई भी झूठ नहीं कह रहा है, ये मीठा नहीं है, ये बहुत मीठा है। इसमें एक घूंट और बची, ठीक है, ये बहुत मीठा पानी है। अब घर पर जरूर ट्राई करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।